क्या आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है एंड हमेशा यू आर इन सर्च ऑफ सच प्लेसेस वेयर यू कैन बाय ऑल द आर्ट सप्लाइज अंडर वन रूफ? देन इट्सी बिट्सी इज द स्टोर दैट्स परफेक्ट फॉर यू. इट्स अ ड्रीम स्टोर फॉर एवरी क्राफ्टर एंड आर्ट लवर. Everything related to art and craft, DIYs, raw materials, jewelry making and much more. So it's all available at this store. So here is a virtual tour of Itsy Bitsy. Hi, my name is Grishma and on this channel I make two videos related to travel, vlog, store tours and all the fun stuff. मैं आज तक वीडियो इंग्लिश में बनाते आई हूँ बट आई हैव गॉट सो मेनी कमेंट्स जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते. सो फाइनली डिसाइडेड दैट मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का क्लब करके वीडियो बनाऊंगी. सो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रांजिशन. सो कमिंग टू दिस वीडियो, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टोर के बारे में बताना चाहती हूँ और एक वर्चुअल टूर करवाऊंगी जिसका नाम है इट्सी बिट्सी. और ये भी बताऊंगी कि ये स्टोर में आपको क्या क्या मिल सकता है एंड व्हाट ऑल थिंग्स this store has to offer to you. I have previously purchased a lot from Itsy Bitsy and मैं वो सारी चीजें भी आपके साथ share करूंगी video के end में. Also this video is shot much before lockdown. मैं भी currently घर पे ही हूँ and I hope you guys are also staying at home and are indoors and are safe. So okay, so the branch of Itsy Bitsy that I visited was in Koram Mall, Thane and इसके कई सारे branches हैं मुंबई में but मैंने specifically Koram Mall वाला branch visit किया था और ये मेरा first time भी था इस branch को visit करते हुए. They too have an online store from where you can buy and purchase as well. I personally love painting and doing art and doing DIYs and all those things. So I remember the first time when I visited the Itsy Bitsy store that was in Phoenix Mall, Kurla. I went crazy inside the store. Like मेरा Phoenix Mall एक तो मेरा favorite mall है and जब भी मैं Phoenix जाती हूँ I always go inside Itsy Bitsy and pick something up. जैसे मैंने बताया कोरम मॉल का Itsy Bitsy स्टोर मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था टू गो टू दिस ब्रांच ऑफ Itsy Bitsy एंड दिस स्टोर इज पैक्ड विद प्रोडक्ट्स एंड बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज स्टोर है. एंड आपको अगर एक स्पेसिफिक चीज चाहिए होगी तो आपको वो आराम से मिल सकती है एंड यू कैन गो टू द पर्टिकुलर आइल एंड गेट दोस थिंग्स हैसल-फ्री. आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर व्हेन आई से दैट दिस स्टोर इज अ क्राफ्टर्स ड्रीम. यह ये स्टोर में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आर्ट रिलेटेड है, जो क्राफ्ट रिलेटेड है, DIY रिलेटेड है, बेकिंग रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही रूफ के अंदर मिलेगी एंड इट्स सच एन अमेजिंग अमेजिंग स्टोर. आर्ट रिलेटेड थिंग्स तो इतने सारे हैं जो मुझे आधी तो पता भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी देखा भी था. कैनवासेस, ब्रशेस, टूल्स, मीडियम्स, पेंट्स एंड द लिस्ट इज गोज ऑन. यू नेम इट द स्टोर हैज इट. मतलब इतना अच्छा एंड एक्सटेंसिव कलेक्शन है Itsy Bitsy का दैट इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. बेकिंग रिलेटेड आइटम्स भी है स्टोर में फ्रॉम मोल्ड्स, शीट्स, डेकोरेशंस एंड टूल एंड ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड टू बेकिंग. वो जो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से भी अरेंज किया था. मुझे पर्सनली बेकिंग का इतना शौक नहीं है बट द वे इट वॉज ऑल अरेंज इट वॉज सो टेम्पटिंग टू जस्ट पिक समथिंग अप एंड पुट इन माई कार्ट बिकॉज इट वॉज सो नाइस एंड एवरी थिंग इज सो क्यूट ओवर देयर. लाइक Itsy Bitsy में एक ऐसा सेक्शन भी है जहाँ पे आपको ज्वेलरी मेकिंग रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे एंड ये मैंने काफ़ी कम स्टोर्स में देखा है कि इतने सारे वैरायटीज है. एक छोटे छोटे कनेक्टर्स एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो एक क्राफ्ट स्टोर में मैंने पहली बार देखा है एंड इट वॉज सो नाइस. तो मैंने भी कई चीज़ें ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड वहाँ से ली है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी. टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस, तो मोस्टली स्टोर में सेल एंड और डिस्काउंट्स तो चालू रहती है एंड समटाइम्स दे हैव स्पेशल ऑफर्स इन विच इफ यू परचेज समथिंग एंड इफ अ बिल गेट्स अबव सर्टेन लिमिट देन यू गेट अ फ्री गिफ्ट विद इट एंड आई थिंक दैट इज वेरी नाइस एंड इट्स गुड वे टू कीप योर कस्टमर्स हैप्पी. मुझे भी एक बार ऐसा फ्री गिफ्ट मिला था जो आई परचेज अ समथिंग एंड द बिल वेंट समथिंग अबाउट 700 तो मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला था. सो दैट इज अ ग्रेट वे टू कीप योर कस्टमर्स हैप्पी एंड Itsy Bitsy नोज हाउ टू डू इट. मोस्टली आज तक जो भी मैंने Itsy Bitsy स्टोर्स देखे हैं तो मोस्टली उनका साइज ना काफी छोटा होता है
बट द कलेक्शन इन साइड इज सो एक्सटेंसिव एंड सो ह्यूज दैट कहाँ देखूँ या क्या लू ऐसा होता है. आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट एंड आई एम अ बिग फैन एंड दिस वीडियो इज नो वे अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय इट्सिबिट्स. आई विश इट वॉज बट इट इजेंट. ऑल दीज ओपिनियंस आर माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई रियली लव द स्टोर. मैंने स्टार्ट में बोला था कि इट्सिबिट्स स्टोर से मैंने काफ़ी सारे चीज़ें ली है एंड आई एम गोना डू अ ह्यूज हॉल फॉर यू गाइज एंड ऑल्सो शो यू गाइज वॉट ऑल आई हैव परचेस्ड इन द पास्ट फ्रॉम द स्टोर. सो मेरे लेफ्ट में कई सारे चीज़ें हैं जो ऐसे रैंडमली मैंने निकाले हैं एंड आई एम गोना क्विकली शो यू गाइज वॉट ऑल आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टोर. सो द फर्स्ट थिंग आई कुड सी आर दीज फेल्ट शीट्स जो मैंने ऑलरेडी यूज़ की थी. आई रिमेंबर दिस वॉज इन अ पैक ऑफ 10 एंड वॉज अराउंड 100 rupees. दिस इज लाइक अ फैब्रिक मटीरियल थिंग एंड यू कैन यूज इट टू मेक अ लॉट ऑफ DIYs. तो मुझे पहले काफ़ी शौक था DIY बनाने का एंड फन फैक्ट आई इवन हैड अ वेबसाइट ऑफ माइन विच वॉज कॉल्ड क्राफ्टिंग इट लॉन्ग. आई थिंक इट स्टिल एग्जिस्ट बट इट इज़ इनएक्टिव सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वहाँ पे आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ DIYs. आई यूज टू शो माई व्यूअर्स हाउ टू मेक सर्टन थिंग्स और मेक रूम डेकोर होम डेकोर रिलेटेड आइटम्स. तो उसके लिए मेरे पास ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो DIY रिलेटेड है जो मैं इसी बिच्ची से काफ़ी खरीदती थी. ये तो एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए यूज़ होता था बट आई स्पेसिफिकली वॉन्टेड द पिंक कलर टू मेक अ ड्रीम कैचर विच आई इवेंचुअली डेड बट बाद में वो बहुत पुराने हो गए तो मैंने निकाल दिया. बट दिस इज वॉट आई बॉट फ्रॉम इट्सी बिट्सी एज वेल. कमिंग टू सर्कुलर थिंग्स द नेक्स्ट थिंग आई हैव आर दीज. आई डोंट नो व्हाट दीज आर कॉल्ड. मैं इसको DIY के लिए यूज़ करती थी. इन प्रीवियसली इन माई बाथरूम आई यूज टू यूज इट लाइक अ टॉल होल्डर and I used to hang towels on it. So that is what I used it for. It was around 20 to 30 rupees each. For dream catches, मैंने आपको बताया था मैंने वो pink color का embroidery ring खरीदा था. With that I had bought these feathers. Now यहाँ पे आपको देख सकते हैं craft essential. So इतसे बिच्चे में mostly आपको ये वाले tag के सारे items मिलेंगे and in behind it's written online order online from itsybitsy.in. so yeah, itsybitsy ka online store bhi hai na aap buy kar sakte hai but I got it from in store and this was for 49 rupees. next up I have is these letters. now I never opened it for some reason because mujhe pata hi nahi iske saath main kya karu. I bought it at that time but abhi pata nahi hai. so originally it was for 149 but the sale price is it says it's 999. सो मैंने इससे बताया था कि हमेशा स्टोर में काफ़ी सेल रहती है. सो यू कैन गेट समथिंग फॉर रियली गुड डील लाइक 150 ऑलमोस्ट का मुझे 100 में पड़ा तो 50 रुपये कम. सो दैट्स अमेजिंग. एंड एक चीज़ मैं हमेशा इसी पीछे से खरीदती हूँ जो आज तक खरीदती हूँ आदि ग्लू गन स्टिक्स. मैं कह मेरे पास एक ग्लू गन है और उसके रिफिल के लिए आई ऑलवेज बाय इट फ्रॉम इट्सी बिट्सी और एनी अदर स्टोर फॉर दैट मैटर. बट अगर मुझे इट्सी बिट्सी दिखा तो आई गो एंड बाय दिस फॉर श्योर. लाइक हमेशा एक परचेस में मेरा ये तो रहता ही है बिकॉज आई ऑलवेज रन आउट ऑफ दिस एंड दिस वॉज फॉर 90 rupees फॉर अ पैक ऑफ 4. एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका सेम वही पैकेजिंग है बिकॉज दैट्स द स्टैंडर्ड इट्सी बिट्सी का पैकेजिंग. मैंने ये ऑलरेडी यूज़ की है थोड़े बहुत. सो दीज आर लाइक दीज वुड के पीसेस एंड दीज आर लाइक सो क्यूट. मैं अपने डेस्क के उधर आई कीप दिस एंड यूज इट एज अ कोस्टर. यू कैन पेंट इट डेकोरेट इट एंड डू सो मेनी थिंग्स विद इट बट मैं एज बेसिकली प्लेन कोस्टर के तरह यूज़ करती हूँ और समथिंग लाइक दिस बिटवीन अ प्लांट टू गिव इट सर्टन हाइट. दैट इज वॉट दैट इज हाउ आई लाइक टू यूज इट. वेरी रैंडम परचेस फ्रॉम इट्सी बिट्सी था आदि गूगली आईज. मुझे गूगली आईज पता नहीं क्यों मुझे चाहिए था. आई नेवर यूज इट बट हियर दे आर एंड दे आर अ लॉट ऑफ गूगली आईज एंड समटाइम इट क्रीप्स मी आउट. इसका पैकिंग पे मत जाने फिर बिकॉज मैंने इसको बहुत ही गंदे तरीके से स्टोर किया था. बट दीज आर दीज यान कलर कलर्स के यान है यहाँ पे एंड दिस वॉज फॉर 69 rupees एंड बहुत सारे थे. आई थिंक इट वॉज लाइक 6 or 7. तंदूर में बनाने के लिए यूज़ नहीं करते ना वो है बट आई यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेज ऑफ DIY. यू कैन लाइक कट इट इन मेक इट अ लैम्प और समथिंग लाइक दैट. द पॉसिबिलिटी विद गेट मेकिंग समथिंग विद दिस इज सो अमेजिंग. आई क्लीनर्स जो मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं इन द पास्ट. आई स्टिल हैव दिस फ्रॉम बैक फ्रॉम माई ब्लॉग एंड दिस वॉज फॉर 30 rupees. लाइक pretty nice for 30 rupees. ये ना pipe cleaners है which I'll show you one.
If you are curious what this is, it's a pipe cleaner. You can bend it like this and make like so many decorations and so many DIYs with it. Something like I used to make so many DIYs, like, oh my god, it's not even funny. Like on my channel also, I had made few DIY videos, but so maine private kar li hai because I don't think it matches the theme of my channel. But aapko agar wo videos dekhne hain mere purane wale jo maine private kiye, do let me know. I will share them again, even give a reaction video. I think that would be amazing as well, like reacting to my old videos. If you are interested, then do let me know in the comments. And wool, whatever you want to call it, and there are many of this, but ye sare maine ek se beche se liye hai. It's around 30 to 20 rupees. One of them are these nylon elastic stringy material. It's elastic, you can make like bracelets or even keychains with it. So I bought this from Itsy Bitsy. Uska price to chala gaya hai filhal, but ye na Itsy Bitsy se kharida tha. And ye so I guess Hindi mein tangoose bolte hai, I'm not pretty sure about that. Main price that I got, and yahan pe it's the sale price again. Originally it was for 59 rupees, but I bought it for 29, and it's great to attach it to the back of the string, and then you can press this in and you can attach like a attachment to it. So ye basically waisa use hota hai. This, I hope it's visible. I don't think because of the light coming in. Next I have are these elastic bands. So this was for 25 rupees. मैंने इसको आज तक ओपन नहीं किया है. Talking about the free gift that I was talking, मुझे ये मिला था. It was, its originally price is 999, पर मुझे आज तक नहीं पता चला what exactly it is and how to use it. Like a rubber band जैसा कुछ तो है. I think you can make like bracelets or something with it. इसमें hooks भी है and it's got some kind of a tool that could be used for making that. Yeah, that was it for this video. I hope you enjoy this virtual tour of Itsy Bitsy. मेरे पास कई सारे stores हैं जो I'm sure that आपको नहीं पता होगे. And I wanna explore those, and I wanna show you guys that store because कई सारे अच्छे अच्छे stores हैं which are like hidden gems. And आपको अगर मेरे channel के through ये पता चलता है, I would be so happy and so glad so that आप वहाँ जाके अपनी चीज़ें ले सकते हैं. But anyways, this was my virtual tour of Itsy Bitsy store, which is a crafter's dream store. And I hope you enjoyed this video, and if you did, then do give it a big thumbs up and channel ko subscribe karna na bhule. It would mean a lot. I would really appreciate that. And with that said, I'll see you in my next video. Bye.